हरन महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, सभी भक्तों को राखी की बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी के भाई के घर में उन्नति रहे, समृद्धि रहे, वैभव बना हुआ रहे, सबके भाई की लंबी उम्र हो, इसके लिए बहनें सिर्फ एक कार्य करें और वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। राखी के दिन अगर बहन उस कार्य को कर लेती है, सिर्फ भाई भौजाई के नाम का एक दीपक लगा लेती है, शिव शक्ति दीपक अगर लगा लेती है, तो भाई की लंबी उम्र जरूर होती है, भाई के घर में समृद्धि जरूर आती है। जैसे कि राखी भी आने लगी है भाई भौजाई की, उसी तरह से अगर बहने भाई भौजाई के नाम से एक दीपक राखी के दिन लगा दे तो भाई के घर में समृद्धि होना निश्चित है। भोले बाबा की कृपा हमेशा भाई पर बनी हुई रहे, अटका हुआ कार्य तुरंत बने, उसके लिए पहले एक उपाय बता देती हूँ, उसके बाद भाई भौजाई वाला दीपक आप जरूर प्रज्वलित कर दीजिए। आपको क्या करना है, अगर आपका कोई अटका हुआ कार्य है, नहीं हो रहा है, तो सावन का पांचवा और अंतिम सोमवार है, एक दीपक फूल बाती का दीपक लीजिए, गोल बाती का, उसमें एक चुटकी काले तिल डाल दीजिए। तुम रुका बाबा के नाम से मंदिर में वह दीपक आप प्रज्वलित कर दीजिए, बाबा के सामने वह दीपक रख दीजिए, तुम रुका बाबा का नाम लेकर के कार्य जरूर हो जाएगा। तो आप इस तरह से एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। चलिए चलते हैं, शिव शक्ति दीपक भाई भौजाई के नाम से कैसे लगाना है बहुत ही अच्छे से आप समझ लीजिए। आपको क्या करना है, आप यह दीपक सोमवार के दिन, रक्षाबंधन के दिन, पूर्णिमा के दिन, या तो आप सुबह लगाइए या शाम को, किसी भी समय आप इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। आप जाइए शिवालय, दो लंबी बाती लेनी है, घी का दीपक पूरा भरना है, दो लंबी बाती एक ही दीपक में आपको इस तरह से रखना है। उसमें आपको एक अक्षत का दाना बाबा से विनती करते हुए भाई और भौजाई का नाम ले, उनकी गोत्र बोले और लंबी उम्र की कामना करें, भाई के घर में हमेशा समृद्धि रहे, उन्नति रहे, यह कामना करते हुए चावल का दाना आप उसमें डाल दीजिए। उसके बाद आप बाबा से विनती करते हुए इस दीपक को बाबा के सामने प्रज्वलित कर दें, यानी कि शिवालय में शिवजी के सामने इस दीपक को प्रज्वलित कर दें। बहुत ही अचूक और सटीक उपाय है, जरूर करें। भाई की लंबी उम्र के साथ साथ भाई का हमेशा घर भरा हुआ रखेगा, भाई का हमेशा कलाई भरी रहे, घर भरा हुआ रहे, बहन का भी घर भरा रहे। इसके लिए आप भाई के हाथ में जब राखी बांधे तो उसके हाथ में एक नारियल यानी श्रीफल, पानी वाला जो श्रीफल नारियल होता है, वह जरूर भाई के हाथ में दे। उसके बाद भाई के हाथ में कलाई में राखी बांधे। पूर्णिमा रक्षाबंधन का बहुत ही सटीक अच्छा उपाय है, जरूर करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाबा सबके भाई की लंबी उम्र दे, इसी कामना के साथ हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।